हरिद्वार से कानपुर तक सिंचाई करने वाली गंग नहर को बंद कर दिया गया है। इस कारण आम लोग और किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली उत्तराखंड गंग नहर को 20 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। यूपी सिंचाई विभाग हर साल दशहरे से दिवाली तक मेंटेनेंस के लिए नहर को बंद करता है। विभाग ने भीमगोड़ा बैराज से नहर का पानी रोक दिया है। उत्तराखंड गंग नहर जल विहीन को जाने से दिल्ली एनसीआर समेत कई जगहों पर पेयजल संकट खड़ा हो सकता है। वहीं पश्चिमी यूपी में खेती की सिंचाई भी प्रभावित होगी। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि पेयजल संकट ना हो उसके लिए पर्याप्त पानी दिया जाएगा। वहीं इस समय कृषि में पानी की मांग कम है, इसलिए किसानों को ज्यादा समस्या नहीं होगी। मध्यरात्रि से हमारी जो उपी गंगा नहर है ये भीमगोड़ा बैराज से आज बंद होगी और 11-12 नवंबर की मध्यरात्रि तक बंद जाएगी, 11 की रात को बंद जाएगी। तो इसमें जो भी हमारे आवश्यक कार्य होते हैं उपी गंगा नहर के, इसमें काफ़ी जो भी मरम्मत संबंध कार्य हैं और जो इंटरनल सेक्शन में हमारे वर्क होते हैं जो नहरबंदी में भी संभव हैं तो वो सारे कराए जाएंगे। और हम हर की पैड़ी पर जो भी श्रद्धालु के स्नान के लिए जितना भी आवश्यक जल होगा उसको उपलब्ध कराएंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।